सरवण सिंह फिलौर पंजाब दे साबका सैर सपाटा ते जेल मंत्री। जी हाँ, साबका, क्योंकि सरवण सिंह फिलौर ने दे दिता है अस्तीफा। खबर आई कि जेल मंत्री ने कैबिनेट नूं छड्डन दा फैसला कीता। इस खबर ने एक-एक पंजाब दी सियासी जगत च एक हलचल जिही लिया दित्ती। इस अस्तीफे की पुष्टि उस वेले हुई जो खुद सरवण सिंह ने सामने आके इस खबर की पुष्टि की। नाल ही सरवण सिंह ने इस अचानक आए अस्तीफे की वजह भी बयान की। इस अस्तीफे का कारण बनिया जगदीश भोला, उही भोला जिसके फड़े जाने तो बाद सत्ता धिर लई मुसीबतां शुरू हो गई। दरअसल एक कहानी शुरू होंदी है 6 मार्च 2013 तो। चंडीगढ़ नेड़े जीरकपुर च एक NRI के घर पुलिस की रेड हुई। पंजाब पुलिस ने इस NRI शख्स के घरों इस रेड दौरान 26 किलो हेरोइन समेत कई होर नशीले पदार्थ भी बरामद किए। इन तमाम नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार च करोड़ों की कीमत सी। जिस घरों नशीले पदार्थ बरामद हुए एक घर से कारोबारी अनूप सिंह कालों का। इस बरामदगी तो बाद कालों को गिरफ्तार किया गया। कालों तो की गई शुरुआती पूछताछ दौरान एक एक करके सामने आने लग पे कई वड्डे नाम। सब तो पहला जिहड़ा नाम सामने आया उसने सब नू हैरान कर दिता, क्योंकि यह नाम सी देश के मन्ने परमन्ने मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का। विजेंद्र सिंह के फसण की वजह बनी कालों के घर के बाहर विजेंद्र की पत्नी की खड़ी हुई कार। विजेंद्र के नाल नाल पंजाब पुलिस के मुलाजम ते विजेंद्र सिंह के मुक्केबाज दोस्त राम सिंह का नाम भी सामने आया। इन्हां तो हुई पूछगिछ ते जांच यह साफ हो गया कि विजेंद्र सिंह ते राम सिंह ने कई बार खुद भी नशा किया। हालांकि विजेंद्र ने अपने आप से लगे हर इल्जाम नूं नकारदिआं डॉप टैसट करवाउण तों मना कर दिता। बाद च विजेंद्र ते होए डॉप टैसट च विजेंद्र नूं क्लीन चिट मिल गई। पर यह मामला इत्थे नहीं रुकिया, हाले तां सिर्फ ट्रेलर ही सामने आया सी, पूरी फिल्म तां अजे बाकी सी। पुलिस नूं तहकीकात दौरान लगा कि यह मामला जिन्ना छोटा लग रहा उन्ना है नहीं। आगामी पुछगिछ दौरान पुलिस नूं सब तों पहलां गिरफ्तार किए गए अनूप सिंह कालों तों एक होर नाम पता लगा। यह नाम सी पंजाब पुलिस के बर्खास्त DSP जगदीश भोला का। भोला का नाम सामने आने तो बाद पंजाब पुलिस ने भोला नूं तलाशना शुरू किया। पुलिस की तहकीकात सदका भोला आखिरकार फड़िया ही गया। स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिहड़ी पटियाला दे विच इस वेले काम करदी सी, उसने जगदीश भोला और इसके चार साथियों नूं हरियाणा दे विच मूरथल नेड़ियों काबू किया है। इन्हां कोलों 18 करोड़ के करीब दे ड्रग्स भी इन्हां दी पुछगिछ ते अगे बरामद किए ने। भोले दे फड़े जाण तों बाद शुरू होई भोले तों पुछगिछ, नाल ही भोले दी अदालत च पेशियां दा सिलसिला भी शुरू हो गया। अपनी पेशी दौरान भोला ने एक अजिही गल कह दिती जिसने सियासत जगत नूं हिला के रख दिता। भोला ने साडे पत्रकार कोलों पुछे गए सवाल दौरान इस पूरे ड्रग तस्करी मामले च पंजाब दे मंत्रियां दे नाम शामिल होण दी गल कही। बस इसे बयान तो शुरू हो गई इस ड्रग तस्करी मामले च पंजाब दे मंत्रियां दी शमूलियत दी कहानी। पंजाब दी सियासत विच सनसनी फैल गई। हर किसी दे मन विच एक ही सवाल सी कि आखिर कौन ने ओ मंत्री। अगली पेशी दौरान भोला ने मीडिया सामने यह साफ कहा कि वह तमाम मंत्रियों के नाम भी दसेगा, पर सिर्फ CBI के सामने, क्योंकि उसनू पंजाब पुलिस तो अपनी जान का खतरा है। भोले वालों मंत्रियों का नाँ का होने वाला खुलासा हर किसी की उड़ीक का कारण बन गया सी। हाल अजिहा होया कि मनो फिल्म का क्लाइमैक्स वेखण लई दर्शक बेताब होण। भोले ने भी सनसनी बनाई ही रखी ते फिर कहा कि पंजाब के दो इलाकों के मंत्री इस पूरे मामले च शामिल ने। मैं अजे ना नहीं ले सकता, वैसे मैं तुम्हें दसना मालवे का नहीं, एक दुआबे का एक माझे का। आखिरकार तमाम उथल पुथल ते लंबे इंतजार तो बाद फिल्म का क्लाइमैक्स आ ही गया। भोला ने लिया वो नाम जिसने अकाली सरकार के पैरों थल्लों जमीन खिसका दिती, क्योंकि भोला ने ले लिया कैबिनेट मंत्री का नाम। तीन CS स्टाफ के बच्चे रहे जो मजिठे साहब का नाम आ जाता, उदू बाद बंद हो जाए। बिक्रम सिंह मजिठिया भोले वालों लए गए इस नाम ने एक अजिहा तूफान लिया जिसने पंजाब सरकार की इज्जत ते अणख नूं हिला के रख दिता। पर मजिठिया ने भोले दे इस इल्जाम नूं सिरे तों इनकार दिता। उसके लफ्ज को तोड़ा मरोड़ा मैंने, आपने जब ये बात रेज करी है मैंने चेक कराया और मैंने कईयों से चेक कराया, उसने जो आपने बात बोली उसने वो बात बोली। विरोधी पार्टी नूं तां जिवें मन्नो इस मौके का इंतजार ही सी। सत्ता पक्ष से लगी इस इल्जामां दी अग च कांग्रेस ने हाथ सेकण दा कोई मौका नहीं छड्डिया। मैं हैरान है इस गल ते कि साहब प्रकाश सिंह बादल जी नूं कीड़ी ये मजबूरी है
सीबीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। जे पंजाब पुलिस ते लोगों नू फेथ है नहीं, विश्वास है नहीं, क्योंकि उहदे विच तीन कैबिनेट के मिनिस्टर्स इनवॉल्व ने। एक बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम ले लिया, दो अजे उन्हें गुप्त रखे ने। तो जे चीज़ सीबीआई को चली जाए तो पानी का पानी हो जाए, तो दुध का दुध हो जाए। पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री अपने मंत्री बचाने लई मैदान च उतर आए। सुखबीर बादल ने तो उल्टा इस शब्द लई कांग्रेस नू ही जिम्मेवार दसिया ते कहा कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। लगता है नवा एक पोलिटिकल एंगल शुरू हो गया है। जे असी तो फंड आले फंड आला कौन है? असी जे साड़ी कोई सपोर्ट हुंदी फिर असी फड़दे? पहले लेट्स फिनिश दिस। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੋਲੇ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਦਮਨਵੀਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਇਸ ਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਨਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਨੇ 6,000 ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਮਨਵੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਭੋਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨਵੀਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦਮਨਵੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਬਈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਨਵੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ,